आज नागपुर के पांच पावली पुलिया पर भीषण एक्सीडेंट देखने को मिला, जहां नशे की हालत में धुत एक कार सवार ने एक्टिवा पर जा रहे दोनों भाई बहन को इस कदर टक्कर मारी कि दोनों ही भाई बहन पांच पावली पुलिया से सीधे नीचे जा गिरे। दोनों भाई बहन नई बस्ती मदीना मस्जिद के पास के बताए जा रहे हैं। भाई का नाम मोहम्मद इरफान और बहन का नाम फौजिया बानो बताया गया। बहन फौजिया अभी कोमा में है, जो मेयो अस्पताल में है। वहीं भाई इरफान विम्स अस्पताल में एडमिट है, उनकी हालत गंभीर बताई गई है। कुछ दिन पहले रामझूला पुल पर भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। अब पांच पावली थाने में ऐसा मामला सामने आया, जिसके चलते अब देखना यह है कि अब पांच पावली पुलिस अब कितनी गंभीरता से इस मामले को लेती है। और आरोपी पति पत्नी जो शराब पीकर कार चला रहे थे, लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले ऐसे लोगों पर कब कानून का शिकंजा कसेगा, या वो ऐसे ही शराब पीकर लोगों की जान से खिलवाड़ करते रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी, तभी लोगों के दिल से खौफ कम हो पाएगा। खाने के शौकीनों के लिए खुशखबर, हैदराबादी ऑथेंटिक फ्लेवर अब चंद्रपुर में भी। जी हाँ, हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ पा सकते हैं हैदराबाद का ओरिजिनल टेस्ट। हैदराबाद दम बिरयानी, वेज नॉन वेज करी, साउथ इंडियन नाश्ता, चाइनीज तंदूरी कबाब, ईरानी चाय, बादाम मिल्क और भी बहुत लजीजदार खाना। इंडोर और आउटडोर में फैमिली के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था और सर्वोत्तम सर्विस, वो भी एकदम किफायती दामों में। हमारे यहाँ पार्सल और पार्टी के भी ऑर्डर लिए जाते हैं। एक बार अपने मित्र और परिवार के साथ अवश्य पधारें, आप दोबारा जरूर आएंगे, ये हमारी गारंटी। हैदराबाद स्वाद फैमिली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर, नियर क्रोमा शोरूम, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9327461997207556199। भाजपा ने 2024 लोकसभा का बिगुल पूरे देश में इस बार सबसे पहले चंद्रपुर से फूंका है। लोकसभा 2024 का पहले चरण का चुनाव विदर्भ में हो रहा है और इसका सबसे पहले नामांकन फॉर्म आज महाराष्ट्र के विद्यमान वन संस्कृत और मत्स्य व्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावन को लेकर मुख्य उपस्थिति में भरा। करीब 12:30 बजे सुधीर मुनगंटीवार घर से निकलकर सर्वप्रथम महाकाली मंदिर के दर्शन लिए, उसके बाद शिवाजी चौक पर शिवाजी की प्रतिमा को नमन करके वहां से रैली के साथ गांधी चौक पहुंचे। उनके आने से पहले ही बावन कुले और फडणवीस मंच पर पहुंच चुके थे। विशेष बात यह थी कि युति के दूसरे पक्ष के सारे पदाधिकारी को दूसरे पंक्ति में मंच पर बिठाया गया। इस तरह लोकसभा की उम्मीदवारी में चल रहा एक नाम डॉक्टर अशोक जबतोड़े, जो कि कुनबी समाज से है, उनका भी दूसरी पंक्ति में बैठना कई लोगों को धक्का दायक लगा। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर मंच पर उपस्थित थे, मगर वे बॉडी लैंग्वेज से असहज लग रहे थे। इस अवसर पर बावन कुले ने बोलते हुए कहा कि चंद्रपुर का यह पहला फॉर्म स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा, क्योंकि यहीं से 45 सीट जीतने की शुरुआत होगी। सुधीर मुनगंटीवार ने अपने भाषण में लोगों से अपील की है कि वो जात के नाम पर या आंखों के आंसू देखकर वोट ना करें, वरना उन्हें भी 5 साल रोना पड़ेगा। उन्होंने लोगों को विकास के नाम पर और मोदी जी के नाम पर वोट देने की अपील की। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुधीर मुनगंटीवार को नेतृत्व, कर्तृत्व और वक्तृत्व वाला नेता बताया। दैनंदिन जो पर्यंत दर्शन घेत नाही तोपर्यंत आज तर मी देश हितासाठी विश्वगौरव मोदीजींनी मला उमेदवारी दिली, देवाचा आशीर्वाद हा जर मी नियमित घेतो तर आजही आवेदनपत्र भरताना देवाचा आशीर्वाद घेऊन चालू आहे। आणि देवासमोर एवढीच प्रार्थना केली की तुला जे योग्य वाटते देवा तू ते कर। मी माझ्या खासदारकीसाठी उभा नाही, मी विश्वगौरव देशनायक युगपुरुष नरेंद्र मोदीजी या देशाला गौरवशाली सुजगाम सुफगाम करण्याचं जो संकल्प घेऊन कष्ट करताय, जर देवा तुला वाटत असेल तर त्यामध्ये चंद्रपूर मनी आर्मी लोकसभेचं योगदान देण्यासाठी मी शक्तीने विकास करेल, पण त्यासाठी देवानी निर्णय आणि ईश्वराचा विश्वास असणाऱ्या मतदारांनी निर्णय मलाही माहीत नाही, कारण काल जरा मी जरा 101 काम होता, त्यामुळे मी काल कुणाशी बोलू शकलो नाही। पार्टीचे कार्यकर्ते अनेकांशी बोलले आहेत, जे येतील ते येतील, जनता तर अशी नाही। माझ्या दृष्टीने ही निवडणूक मी कोणाच्याही विरुद्ध घडत नाही आहे, माझ्या दृष्टीने ही निवडणूक देशासाठी आहे, देशहितासाठी आहे। माझी लढाई त्या परिवारवाद राजकारणात आणणाऱ्या परिवारवादी पक्षासोबत आहे। माझी लढाई संसदेवर हमला केल्यानंतर अफझल गुरुला फाशी देऊ नका असं म्हणणाऱ्या प्रवृत्तीशी आहे। माझी लढाई या देशामध्ये हुकुमशाही आणण्यासाठी 19 महिने
निरपराधांना तुरुंगामध्ये टाकणाऱ्या वृत्तीशी आहे। माझी लढाई या ठिकाणी अमेरिकेतून जो तिथं जनावरांना मिगव खाऊ घातल्या जातो तो मिगव पैशांनी विकत देणाऱ्या प्रवृत्तीशी आहे। माझी लढाई या देशामध्ये जाती जातीचं विष कालवून आपल्या सत्तेचं स्वप्न पाहणाऱ्या सत्तांधांशी आहे। आणि माझी लढाई महाराष्ट्राचे लोकनेते माननीय देवेंद्रजी या फॉर्म भरण्याच्या अत्यंत या मंगलमय कार्यक्रमाच्या दिवशी मंगलमय जो आपला दिवस आहे आजचा फॉर्म हा महाराष्ट्राच्या इतिहासातला पहिला फॉर्म आहे। महाराष्ट्रातले 48 लोकसभेचा सुवर्ण अक्षर लिहिला जाईल चंद्रपूरचा फॉर्म। तर या फॉर्म मधन महाराष्ट्रामध्ये 45 प्लस खासदार निवडून येणार आहे याची सुरुवात आजपासून चंद्रपूरमध्ये होते आहे आणि लोकनेते देवेंद्रजी या ठिकाणी आले आहे। त्यामुळे जात का माध्यम से कोई प्रचार कर रहा होगा तो अपने पैर पे पत्थर ठोक रहा होगा। अगर आप जात का नेतृत्व करते हो तो बाकी जातियों ने समस्याओं के लिए कौन से नेता को देखना है। यहां तो ओबीसी है बड़ा समाज है, यहां पे ओपन समाज बड़ा है, यहां पे एससी बड़ा समाज है, यहां पे आदिवासी समाज बड़ा है। तो आप क्या चाहते हो कि आप सिर्फ एक जात के लिए खड़े हो? नहीं, मैं तो इस जिले की लोकसभा मतदार संघ में मैं कुंभी भाइयों की भी सेवा करूंगा, मैं तेली भाइयों की सेवा करूंगा, मैं माली भाइयों की सेवा करूंगा, मैं ओबीसी भाइयों की सेवा करूंगा, मैं ओपन भाइयों की सेवा करूंगा। मेरे जो तेलुगु भाई है जिसको आज तक मैं ये कहते आया ना गुरु के कमलम आशीर्वाद अभी आ गए वोट आ गए अम्मा, वो तेलुगु भाइयों की सेवा करूंगा, वो प्रभु राम के उत्तर प्रदेश से आए हुए उन सभी उत्तर भारतीयों की सेवा करूंगा, मैं उस बंगाली भाइयों की सेवा करूंगा जिनके लिए 95 में मैंने चुनावी झंडा हाथ में लेकर चोल चाय रोस्ता चाय पोता फूले वोट चाय ये भाव से मैंने चुनाव लड़ा है। विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी हमारे अनुसूचित जाति के लोगों की दिल से सेवा करूंगा। मेरे अनुसूचित जाति के भाई बहन हे मुख्य प्रवाह दिया आज भी देवेंद्र जी ना धन्यवाद दे चंद्रपुर जिल्हा असा जिल्हा आहे की ज्या ठिकाणी अनुसूचित जातीच्या घरकुलासाठी लाभार्थी कमी आहे आणि आमचं टार्गेट कितीतरी मोठं आहे। शबरी आवास योजनेमध्ये लाभार्थी संख्या कमी आहे, आमचं टार्गेट कितीतरी मोठं आहे। या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास हे आमचा संकल्प आहे। नवे मोदीच्या गॅरंटी मध्ये हे चंद्रपूर वणी विकासावर मतदान झालं नाही तर सहानुभूतीवर मतदान कराल तर लक्षात ठेवा मी तुम्हाला खबरदार करतोय जर तुम्ही डोळ्याचे अश्रू पाहून फक्त व्यक्तिगत सहानुभूतीवर मतदान कराल तर 4 वर्ष 11 महिने 29 दिवस 23 घंटे 59 मिनिट मात्र तुमच्या डोळ्यामध्ये पाणी आल्याशिवाय राहणार नाही आणि तुम्हाला तुमचीच सहानुभूती स्वतःची स्वतः करावी लागेल। सुधीर भाऊ नेतृत्व कर्तृत्व वक्तृत्व याचा तिहेरी संगम जर कुठे पाहायचा असेल तर तो आपल्याला सुधीर भाऊ मध्ये पाहायला मिळतो। महाविकास आघाडीचं सरकार देखील होतं त्याही काळामध्ये आपल्याला कुठला विकास पाहायला मिळाला। बंधू भगिनींनो या ठिकाणी विकास जर करायचा असेल तर त्याला दृष्टी लागते। सर्व समाजाला सोबत घेऊन कोण चालू शकतो, प्रत्येकाची दुःख कोण समजू शकतो, कोण ती दुःख योग्य प्रकारे मांडू शकतो हा जर विचार आपण केला तर आपल्या मनामध्ये सुधीर भाऊंच्या व्यतिरिक्त दुसरं नावच येऊ शकत नाही हा मला विश्वास आहे। आणि म्हणून आपल्याला फॉर्म भरायला जायचा आहे आणि मलाही गडचिरोलीला फॉर्म भरायला जायचा आहे आणि मी तुम्हाला काही फार सांगावं असं नाही कारण चंद्रपूरच्या जनतेने निर्धार केला आहे आणि यवतमाळच्याही जनतेने निर्धार केलेला आहे।
मना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला लगीन घाई सुचून देई खरे दिने पना काढला खरे दिला वरसी दिने उत्साह नवा आणला बांधला बसता बांधला बांधला बसता बांधला बांधला।